हथेली में पानी लेके अपनी चोंच के अंदर एक बूंद पानी लेके कौन उस आग को बुझाने के लिए आता है वो सच्चा सेवक है और जो उस आग के अंदर घी तेल डालता है जो उसके ऊपर चिमटा लेके अपनी रोटी सेक रहा है उससे बड़ा देशद्रोही और गद्दार कोई अपने यहां पे हरियाणा में कुछ महीने पहले दंगा फसाद हुआ था आपको ध्यान पूरा हरियाणा जल रहा था रोहतक शहर की क्या हालत हुई सारा हरियाणा जल रहा था और कोई हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं था ये जाट आरक्षण के नाम पे हो रहे थे दंगे फसाद कहीं पे जाट और सैनी का दंगा हो रहा था कहीं पे जाट और राजपूत का दंगा हो रहा था कहीं एक समुदाय दूसरे समुदाय सब हिंदुओं के दंगे थे कौन चला रहा था हरियाणा का मुख्यमंत्री दुबका हुआ बैठा था बोल नहीं रहा था इस देश के प्रधानमंत्री ने उन 12 दिन तक दंगे चलते रहे हरियाणा में बुरा हाल था प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला आज तक एक शब्द नहीं बोला है उसके ऊपर लोग मर रहे हैं आपके देश मर रहे हैं लड़ रहे हैं काट रहे हैं शहर के शहर जल रहे हैं लोग एक दूसरे के खिलाफ बंदूकें ले लेके लड़ रहे हैं पुलिस भाग रही है फौज आने नहीं दे रहे आप कहां गया देश प्रेम राष्ट्र प्रेम की परीक्षा ये है सच्चा राष्ट्रवादी वो है प्रधानमंत्री हो मुख्यमंत्री हो नेता हो उसकी परीक्षा ये है जो वहां जाके बीच में खड़ा होके कहे कि ना भाई हम एक देश के हैं देखो ऐसा स्वराज अभियान के हम साथी सब मिलके हरियाणा के दंगे के बाद एक एक गांव में गए जहां कोई भी मरा था हर परिवार से जाके मिले जब जाटों के घर में गए तो पहचान लिया कई लोग टीवी से पहचान लेते हैं मेरे को अरे यादव साहब आप यहां कैसे आ गए उनका भाई आपके घर में एक बच्चा मरा है मेरे देश का बच्चा है मेरा भाई है मेरा भाई मरा है दुख व्यक्त करने के लिए आया आंदोलन से मैं सहमत हो सकता हूं असहमत हो सकता हूं आपकी बात मुझे राजनीतिक रूप से अच्छी लग सकती है बुरी लग सकती है लेकिन ये बच्चा जो गोली से मर गया इसका क्या कसूर था तो लोगों ने क्या कहा भाई साहब आप पहले आदमी जो हमारी जाट बिरादरी से नहीं हो लेकिन हमारा दुख सुनने आए कोई जाता नहीं बात करने नहीं जाता सिर्फ एक नहीं क्या एक के पास गए दूसरे के पास भी गए जो आंदोलनकारियों की गोली से मरे उनके पास भी हम गए उन्होंने भी कहा भाई साहब दोनों तरफ का दुख दर्द जानने कोई नहीं जाता आधे नेता आते हैं उस मोहल्ले में चले जाते हैं झज्जर में हुआ था सैनी और जाटों का आधे नेता आते थे उस मोहल्ले में जाते थे बाकी आधे नेता आते थे पड़ोस के गांव में जाते थे दोनों के पास कोई नहीं जाता राष्ट्रवाद की सच्ची परीक्षा यह है कि आप दोनों का दुख दर्द जानो दोनों के घाव पे मरहम लगाओ दोनों को और आपको बताऊं ये बड़ी बड़ी राष्ट्रवाद की बात करने वाला एक आदमी वहां नहीं पहुंचा एक व्यक्ति वहां नहीं पहुंचा उनके दुख सुख जानने के लिए दोनों के दिल को जोड़ने के लिए दोनों को एक दूसरे के नजदीक लाने के लिए स्वराज अभियान ने ये काम किया और यही काम हम आगे करेंगे जैसा मैंने कहा आपको 2 अक्टूबर से हम दिल्ली के अंदर एक दिल्ली से शुरुआत करके एक नई पार्टी बना रहे मगर एक चीज हमने बार बार कही है पार्टी का मतलब सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं और चुनाव का मतलब किसी भी तरह से जीत लेना नहीं मर्यादा में काम करना नियम के हिसाब से करेंगे ईमानदारी से करेंगे अगर कोई दूसरी पार्टी वाले अच्छा काम कर रहे हैं तो क्या जाता है आपका कहने में कि हाँ भाई अच्छा काम कर रहा है वो क्यों नहीं बोल सकते पार्टी बना रहे हैं लेकिन पार्टी बनाने से पहले 7 दिन पहले हम क्या कर रहे हैं अमन के लिए यहां पे एक सम्मेलन कर रहे हैं ये हमारी राजनीति इस देश में राजनीति का मतलब तोड़ना हो गया है इसको इससे तोड़ो इनको बताओ आप बिहार से हैं इनको कहो आप बिहार की नहीं है दोनों का आपस में लड़ा दो आज इस देश में लड़ाने का नाम राजनीति है स्वराज अभियान की तरफ से हम लोगों को जोड़ने का नाम राजनीति करके दिखाएंगे आज इस सरकार के स्वराज अभियान की तरफ से हमने कई संकल्प उठाए और यहां कई बहनें बैठी हैं मैं आपके लिए विशेष रूप से कहना चाहता हूं पिछले
महीना भर, ये तो बीच में डेंगू चिकनगुनिया ज्यादा हो गया, हम सबको भी हो गया, मुझे भी हो गया था, सबको ही हो गया दिल्ली में, तो हमने बीच में उस कार्यक्रम को स्थगित किया। लेकिन हमने महीना भर दिल्ली के अंदर एक कैंपेन चलाया जिसको बाद में दोबारा शुरू करेंगे, वो ये कि दिल्ली में जो शराब के ठेके खुल रहे हैं चारों तरफ, उसके विरुद्ध हम दिल्ली की जनता को जोड़ रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं, छोटी सी बात कह रहे हैं, हम कह रहे हैं रिहायशी इलाके में शराब की दुकान अगर खोलनी है तो वहां के स्थानीय लोगों से पूछिए, और लोगों से भी ज्यादा वहां की महिलाओं से पूछिए। अगर औरत कह देती है हाँ जी हमारे मोहल्ले में शराब की दुकान खोल दो, बहुत अच्छी बात है, एक नहीं दस खोल दो वहां पर। लेकिन अगर औरत कहती है कि नहीं शराब की दुकान मेरे मोहल्ले में नहीं, तो फिर खुलनी नहीं चाहिए। और इसके अंदर जगह जगह पे हम गए, लोगों से बात की, हर जगह पे अपने आप के यहाँ आए थे। ये कौन सा अपना मेट्रो स्टेशन कौन सा है? नवादा। नवादा मेट्रो स्टेशन के पास आए, आपने देखा होगा आपके पड़ोस का मामला है, स्टेशन से उतरो और शराब का ठेका वहीं, लड़के साथ में स्कूल है। अब वहां के औरतें कहती हैं कि हमने फिर मेट्रो से उतरते हैं, उल्टी तरफ उतरते हैं और वहां से आगे जाके सड़क क्रॉस करते हैं, हमने इधर से उतरना बंद कर दिया। आप मेट्रो से उतरो, उतरते ही शराब का ठेका वहां पे, सारे लोग पीपा के खड़े हुए। तो हमने कहा कि दिल्ली भर में हम इसका एक कैंपेन चलाएंगे, दिल्ली भर में इसका अभियान चलाएंगे कि जहां लोग कहते हैं कि रिहायशी इलाके में हमें शराब की दुकान नहीं चाहिए, वो अपनी बात लिख के दें, वो अपना विरोध लिख के व्यक्त करें, और स्वराज अभियान की तरफ से हम उन सबको जोड़ेंगे और दिल्ली में इसके बारे में बड़ा अभियान चलाएंगे। और यहाँ अपनी बहनों से विशेष रूप से कि आप इसके अंदर लीड लीजिए, ऐसा नहीं कि भाई इसका विरोध करेंगे, लेकिन इस आंदोलन में बहनें आगे चलती हैं तो बाकी पूरा समाज साथ में खड़ा होता है। इसकी लीडरशिप औरतों को लेनी होगी, आप लोग इसके अंदर लीडरशिप लीजिए। पूरे दिल्ली में ये सब करते हुए हमने पूछा दिल्ली सरकार से, क्योंकि कई जगह से शिकायत आ रही थी हमारे यहाँ नया ठेका खुल गया, नया ठेका खुल गया। हम थोड़ा हैरान हुए, प्रशांत जी के पास कई शिकायत आई, उन्होंने कहा तो वायदा तो ये था कि यहाँ दिल्ली को नशा मुक्त बनाएंगे, क्या बाई चांस एक आधी दुकान खुल गई है जो हमें पता लगा? सर किसी पत्रकार से कहा पूछो, पत्रकार को बताया गया कि दिल्ली में पिछले एक साल में हमने 6 नई दुकानें खोली हैं। हमने कहा यार 10 शिकायत तो हमारे पास आ चुकी है, 6 से कैसे होगा, कुछ तो और मामला है। और जगह पे पूछना शुरू किया, चेक करना शुरू किया। फिर पंकज भाई ने विधानसभा के अंदर प्रश्न पूछा, विधानसभा में प्रश्न पूछा उन्होंने, कितने शराब के ठेके खुले हैं? पता है क्या उत्तर मिला? छुपा छुपा के सरकार बड़े घुमा घुमा के उत्तर देती है, क्योंकि शराब का ठेका एक नहीं होता, कोई L6 लाइसेंस होता है, एक L7 लाइसेंस होता है, एक L10 होता है, एक L12 होता है। पंकज भाई ने पूरी लिस्ट लेके पूछ लिया कि बताइए क्या हुआ। पता लगा कि दिल्ली में नशा मुक्त करने का वायदा करके आई हुई सरकार ने सिर्फ 1.25 साल में 399 नए शराब के ठेके खोल दिए। 399, मैंने किसी से कहा यार दिल लेना कितने दिन की बात है, पता लगा 371 वर्किंग डेज थे उसके बीच, 10 अगस्त तक का आंकड़ा है, 14 फरवरी को शुरू हुआ था 2015 में, 10 अगस्त तक का आंकड़ा विधानसभा में दिया है, 371 वर्किंग डेज और 399 नए ठेके खोले, ये स्थिति दिल्ली में है। इसलिए मैं महिलाओं से विशेष रूप से कह रहा हूं, आपको आगे आना होगा, जहां जहां पे दुकानें खुल रही हैं उसके बारे में पिटीशन बनाएंगे, लिख लिख के देंगे, और सरकार से कहेंगे, प्रशासन से कहेंगे, जो कोई दिल्ली का इंचार्ज है भाई इस चीज को बंद करो। तो ये सब अभियान हम चलाएंगे। आपने अभी पौधा मुझसे लगाने के लिए कहा, बहुत बढ़िया, आपने आंवले का पौधा लगाया, बहुत औषधि वाला पौधा है। और भाई साहब ने कहा कि जब इस पौधे को देखेंगे योगेंद्र जी को याद कर लेंगे। मेरा एक सुझाव है कि आप मेरे को याद मत, आप जब इस पौधे को देखो, इस पौधे में फल को देखो, तो अमन को याद करना, या आंवले का पेड़ है, आप अमन को याद करना, मोहल्ले में कोई झगड़ा हो,